मेरा नाम राहुल संदीप शंकर है, मैं एक दिल्ली में लोकल फर्म में जॉब करता हूँ। मेरी वाइफ टिफिन सर्विस का काम करती है, वो मुझे फाइनेंशियल में बहुत सपोर्ट करती है। हम अभी जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर रेंट पे रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, पानी टाइम पे नहीं आता है, लाइट का प्रॉब्लम, मच्छरों का प्रॉब्लम, हाउसकीपिंग का प्रॉब्लम, बहुत सारे प्रॉब्लम हैं। हमें लगता है कि हम खुद का एक घर ले रहे हैं, जब घर के इतने रेट बढ़ रहे थे हम उस पर नहीं ले पा रहे थे घर, हमारी इनकम की वजह से। फिर एक दिन अचानक गिरिए कि वो जो ड्रॉ रहता है वो चल रहा था उनका, फिर बोला चलो एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जब अप्लाई किया तो उस पर हमारा ड्रॉ लग गया, जब ड्रॉ लग गया तो हम बहुत खुश थे, हमारे मन जो आसमान को छू रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि अब हमारा भी घर हो जाएगा। फिर हमने लोन के लिए अप्लाई किया उधर बैंक में, जब बैंक में गए वहाँ पे हमने पेपर तो हमारे पास पूरे थे नहीं, तो इसलिए हमारा वहाँ से लोन रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा लग रहा था होगा नहीं, बहुत नाराज होकर मनुष्य के बेटे थे। एक दिन मेरा दोस्त आया, उसने मुझे आईएफएल के बारे में बताया, आईएफएल में आप अप्लाई क्यों नहीं करते हो, आईएफएल आपको सब्सिडी देती है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी देने में मदद करती है, वो आपका प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने में मदद करेगी। मैंने तुरंत फोन किया, आईएफएल से कॉन्टेक्ट किया, तो वहाँ से उनका एक एग्जीक्यूटिव आया, जल्दी हो गया था। उन्होंने ऐप अपना खोला, टैब खोला, उन्होंने आपके द्वारा मेरा 45 मिनट में लोन सैंक्शन करवा दिया। थैंक यू आईएफएल, मुझे लोन दिला अपना खुद का घर दिलाने के लिए और मेरे बच्चे के अच्छे फ्यूचर के लिए, थैंक यू। हेलो, मेरा नाम संजय पांडे है, मैं आईएफएल से हूँ। एक केस जो डीडीए का है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और जिसका जो कस्टमर का नेम है राहुल संदीप शंकर, उनकी प्रोफाइल एज ए सैलरीड है बट कैश नहीं मिलती है। उनकी वाइफ टिपिंग का काम करती है। जब वो मुझसे मिला था तो वो बहुत वरीड था, बहुत चिंतित था इस बात को लेकर कि वो 2-3 इंडस्ट्री में एप्लीकेशन उनकी रिजेक्ट हो गई रिगार्डिंग लोन। हम लोग जब मैंने मिला तो अपने आईएफएल के बारे में बताया, तो मैंने आईएफएल के एक झटपट ऐप के थ्रू मैंने उनका लॉगिन किया, जो विद इन हाफ आवर में उनको सेंक्शन दे दिया। तो जब सेंक्शन हो गई और डिसबर्स हो जाने के बाद वो कस्टमर बहुत खुश हुआ।